पब्लिक की सुरक्षा करते हैं ये भाई मेरी कर रहे हैं बताओ धन्यवाद नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूप लंगड़ा, आप देख रहे हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो। मैं जा रहा हूँ सिरसा हरियाणा एक जिम की ओपनिंग में। अब कपड़े थोड़े दूसरी तरीके से पहनने लगा हूँ, बिकॉज पहले टाइट पहनता अभी नहीं पहनता हूँ। कैसा लग रहा हूँ आपको कमेंट करके बताना। और आज के जो पार्टनर है, वर्किंग डे है और कमिटमेंट थी, कमिटमेंट पे पूरा उतरना चाहिए, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो सलमान खान का है। चलो कोई, हाँ फादर साहब के साथ जा रहा हूँ। फादर साहब को रास्ते में काम था तो बोले कि मेरा भी काम हो जाएगा और ट्रैवल भी हो जाएगा इसी बहाने। माँ बाप के साथ समय बिताना जरूरी है और किसी भी बहाने से अगर आपको वो मिल सकता है तो जरूर कीजिए। 2000 से पहले या 90 के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप सबके बड़े हो रहे हैं जो हमारे से रिलेट कर पाएंगे, तो उन्हें सबसे ज्यादा समय माँ बाप के साथ बिताना चाहिए। तो भाई ये लुक भी अच्छा लगता है, लूज पैंट, टाइट टी शर्ट। टाइट तो अपने आप हो जाती है, बॉडी इतनी अच्छी है तुम्हारे भाई की, देख रहे हो साइज देख रहे हो। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कराऊंगा। ये मेरे पास 2016 से है और ये दिल्ली का पहला मॉडल था, रेडिश कलर का, जो लॉन्च हुई थी इस क्लासिक में, क्लासिक 350। ये तो पता नहीं सितंबर एंड होने को आया, आज 27 तारीख है और गर्मी और सूरज पूरा और तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। मिरर भैया गाड़ी का चेंज हो चुका है, अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत ये लग रही होगी अभी। जय भोलेनाथ। डैशबोर्ड भी चमक रहा है बिल्कुल, देखो पॉलिश वॉलिश हो गई। ये वेंटिलेटेड सीट है इसकी, तुम कवर भी नहीं लगवा सकता, मैं सोच रहा क्रीम कलर के लगवा दूं। आज हम निकल रहे हैं पहली बार पापा जी, मैं सिरसा जा रहा हूँ। सिरसा हरियाणा है। हाँ। सिरसा उससे आगे है, कौन सा ले रहे हम नाम हाईवे पे को बार बार बोल रहा। सिरसा उससे पहले हिसार। हाँ। हिसार से 100 किलोमीटर आगे और भी है ना। हाँ। अभी हम यहाँ से मतलब घर से हम चले हैं 268 किलोमीटर पहुंचना है, 5 घंटे दिखा रहा है और जबकि सारा रास्ता हाईवे पे है। मैं पहुंच चुका हूँ रोहतक और यहाँ पे रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए लिया है, वैसे मैंने डाइट कोक लिया ज्यादा नहीं, और पीनट हेल्थी फैट रो पीनट। सिरसा में एंटर करते ही भाई बहुत खूबसूरत रोड बनाया हुआ है और ये डिजाइनर लाइट है और रात को जगमग होती होगी तो बहुत ही सुंदर लगती होगी। भाई हम पहुंच चुके हैं सिरसा। सिरसा में ये होटल में स्टे है अभी, पापा जी बैठे हुए हैं। भाई बढ़िया लोकेशन, मतलब गांव जैसा सिरसा देहात है, थोड़ा रूरल एरिया है लेकिन डेवलप है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा, तो अच्छा होटल बना यहाँ। टेरेस भी है, टेरेस बना रखा है। दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और रोटी। अरे मैं तो डाइट पे हूँ तो थोड़ा सा मैंने मंगाया तो था, भाई ने ऑयल वाला दे दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने पीस खा लिया पनीर के। और अभी बिल्कुल हेल्थी इंडियन नॉर्थ इंडियन स्टाइल में खाना खा रहे हैं पापा। मैंने भी खाई है इसमें एक रोटी, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और बहुत बढ़िया टेस्टी खाना। तो पापा जी कैसा लगा खाना? घर वाला सारी जिंदगी पब्लिक को सर्व करते हुए, पब्लिक की सुरक्षा करते हुए ये भाई मेरी कर रहे हैं बताओ धन्यवाद भाई, धन्यवाद आप सारे भाइयों का। भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं जिम के लिए, सिरसा पहुँच चुके हैं। ये ठाड़े ठाड़े भाई गार्ड कर रहे हैं अपने आप को। अंकल जी आइयो, अंकल जी भाई ओपनिंग फिनिश करके थोड़ा सा फिटनेस का ज्ञान दे के पापा जी वही वीडियो देख रहे हैं खुद बना के। और अब यहाँ से हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं, जो रास्ते में हमें लगेगा 4.5 घंटे के आसपास। सिरसा यार बहुत खूबसूरत है, मतलब जैसे मतलब सोचा था हरियाणा में तरक्की हो रही है सड़कों की, रोड्स की, लाइट्स, सब चीजें मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कैमरे भी लगे हुए हैं और मतलब सही है, बढ़िया हो रहा है। देखो कैमरे लगे हुए हैं भाई और ये हमें यहाँ से लगेंगे 273 किलोमीटर 4 घंटे 25 मिनट। तो आज सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि जो मेम साहब हैं इनका जन्मदिन है, दिन ये बताएंगे नहीं, साल ये बताएंगे नहीं, क्योंकि
जो व्लॉग है शुरू यहीं से हुआ है। और लड़कियां लेडीज अपनी एज बताती नहीं है, तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू बर्थडे गर्ल। थैंक यू बेबी, तेरे बर्थडे पे गोली चलवाएंगे। एज लेडीज नहीं बताती जी, लेकिन जो लेडी के हस्बैंड है ना, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बता रखा है। आज क्या बनाया हुआ है बर्थडे पे? आज बर्थडे बनाया जा रहा है घर, इसमें बनाए हैं छोले की सब्जी, खीर, कति एक नंबर की रबड़ी वाली खीर, और बनेंगे भटूरे। अगर पिटाई नहीं खानी ना तो दोनों किचन से बात। मैं तो भटूरे खाने की बात कर रहा था, आप तो पिटाई की बात कर रहे हैं। अरे बच्चे किचन में आते हैं, कुछ भी गर्म चीज गिर जाए ऊपर। ये बच्चों ने की है घर पे ही डेकोरेशन। राधा कृष्ण जी बैठे हुए हैं। पापा जी आपने क्या छुपाया नीचे? क्या ये ऐसा बच्चा है कि इसे अपनी मम्मा के बर्थडे पे नींद आ रही है? वाह, को भी आ रही है, स्कूल जाना है बच्चों को भाई मॉर्निंग में। स्कूल कैंसिल, 8 o'clock ही कटवाना चाहिए था केक। ओह माय गॉड, जिम नहीं छोड़ा वाला, फेस देखना एक बार। नींद बुला रही है। अमैया किसका बर्थडे है? दुबई पापा का। मेरा तो गया, दीपा मम्मा का। दीपा मम्मा का। आपकी एज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपकी उम्र मेरे बराबर हो गई है आज 2 दिन में। तो अब मेरी कितनी हुई? बात तो वही है। क्यों हमने नहीं बताया? बेबी तेरे बर्थडे पे गोली चलवाएंगे, तेरे बर्थडे पे गोली चलवाएंगे। मुझे आपने क्या बनाया आज? मैंने आपके लिए रायता बनाया, भटूरे बनाऊंगी, छोले बनाऊंगी। अरे वाह मम्मी जी, मौज कर दी। घर का खाना, घर का। यस, जोत बत्ती करनी है केक में। क्या किया आपने बर्थडे पे? चलो भाई, चलो भाई, आने का अच्छे से बैठो। इतना सारा ट्रेवल, आपका बर्थडे, और बहुत सारा इंजॉय किया आपने, कैसा आपको कैसा लगा? अगले बर्थडे पे हम डिसाइड करेंगे कि आपको हम इंटरनेशनल ट्रिप पे बर्थडे बनाएं। देख हर साल तेरे बर्थडे कहीं ना कहीं यूनिक तरीके से मनाते हैं, या फिर एनिवर्सरी मनाते हैं। जैसे गोवा में बर्थडे बनाया था, उसके बाद हरियाणा में बर्थडे बनाया था, और अब की बार मेरा प्लान था दुबई बनाने का, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम थे, यू नो। तो नेक्स्ट वाली एनिवर्सरी या बर्थडे का ही हम बाहर बनाएंगे। पक्का चलो देखते हैं। लेकिन अब की बात, मेरी खुद की इच्छा थी कि हम लोग घर पे रह के सेलिब्रेट करें, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल था, तो बच्चों की जब जिम्मेदारियां आती हैं तो बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से नहीं कर। अब मतलब माँ बाप बनने के बाद ये समझ में आता है कि सारी बातें बच्चों की सही नहीं होती, माँ बाप की भी कुछ बातें सही होती है। नहीं मतलब माँ बाप की बातें ही सही होती है, वो बच्चों को जो कहते हैं वो बढ़िया होता है, ये समझ आता है जब आप खुद पेरेंट्स बनते हो। क्यों स्कूल जरूरी है, क्यों माँ बाप सेक्रीफाइस करते हैं, और क्यों उनकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, ये तब आपको रियलाइज होता है जब आप खुद माँ बाप बनते हो। बिकॉज अपनी रिक्वायरमेंट, अपने ड्रीम्स, अपनी खुशी छोड़ के बच्चों की खुशी में खुशी ढूंढते हैं माँ बाप। मतलब ये एक आध केस तो छोड़ दो, हर जगह मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ऐसे ही होते हैं कि पेरेंट्स अपने लिए नहीं सोचते, अपने बच्चों के लिए सोचते। हमारा बहुत मन है कि हम दोनों कपल मतलब यूरोप टूर पे जाएं, लाइक पेरिस, एम्स्टर्डम। बचपन से मेरा ये ड्रीम था कि मैं वहाँ जाऊँ, है अभी भी, और
अच्छे से मतलब सेलिब्रेट करें, घूमें, लेकिन बच्चे बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से, अनायशा की वजह से, अभी पीछे हमने एक हफ्ते का थाईलैंड का ट्रिप कराया था और सारी चीज़ें बुक थी और उसके बाद वो कैंसिल कराना पड़ा और उसमें लॉस भी हुआ, पर ठीक है बच्चों के लिए करना पड़ता है। अभी भी मैं बाहर गया था एक महीने के लिए और अनायशा ने एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता भी पूरा मेरे को रुकने नहीं दिया। तो अब समझ में आता है कि माँ बाप अपनी चीज़ें छोड़ के बच्चों के लिए कितना करते हैं। ये एक चीज़ में काम करती हूँ, आनी को अनायशा खेलते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, मैं किचन में से बोलूँगी बच्चों मान जाओ नहीं तो देख लो, फिर जब मांगनी ना तब देख लेना, मतलब उनको डराने के उस पर। तो जब मैं बोलती हूँ ना, मेरे किचन में अपने आप ही हंसी आ जाती है, क्योंकि ये जब मैं और मेरा भाई लड़ाई करते थे तो मम्मी देख लेना फिर क्या हाल करूँगी तुम्हारा, या तो तुम खुद सुधर जाओ या तो तुम खुद तो वो चीज़ें अपने आप याद आ जाती है ना, तो खुद हंसी आ जाती है। दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही ऐसे हैं जो अपनों से ज़्यादा आगे जाते देखकर खुश होते हैं बच्चों को। तो ये रियलाइज़ करना, ये रिलेट करना और कमेंट करना, इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खुश होगा, अच्छा सोच सके। लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे माँ बाप की बात कर रहा हूँ। माँ बाप के अलावा कोई बाहर का दोस्त, कलीग, पार्टनर कोई भी नहीं चाहेगा कि वो आप उससे आगे बढ़ो, लेकिन माँ बाप भगवान दिए हैं आपको, वो हमेशा यही सोचेंगे कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाए और उनकी ग्रोथ में वो अपनी ग्रोथ समझते हैं, खुश होते हैं। अगर आपके भी यही सोचना है तो कमेंट करके बताना, नहीं है तो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।